भारत का सुपर 8 का शेड्यूल हुआ पक्का। सुपर 8 में तीन तीन टीमों से होगी लड़ाई। इन दो टीमों ने रोहित की टेंशन बढ़ाई। जानिए कब कब होंगे सुपर 8 के मुकाबले। टीम इंडिया ने अपने आखिरी लीग स्टेज के मैच से पहले ही सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय टीम का कारवा अब सुपर 8 की तरफ बढ़ चुका है। ये बात भी सही है कि टीम इंडिया को अभी एक और लीग मुकाबला खेलना है, लेकिन इससे पहले ही टीम इंडिया की दूसरे राउंड में सीट पक्की हो चुकी है। इसी बीच सवाल ये है कि सुपर 8 में भारतीय टीम किन किन टीमों से भिड़ती हुई नजर आएगी, साथ ही इन मैचों की तारीख क्या होगी, ये मैच कितने बजे से शुरू होंगे, कौन कौन सी टीमों के साथ होंगे, तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि टीम इंडिया के सुपर 8 का पूरा शेड्यूल। लेकिन उससे पहले अगर आप टीम इंडिया के पक्के वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत पाएगी, क्या रोहित शर्मा भारत को इस बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना पाएंगे। कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। क्या है भारत का सुपर 8 का शेड्यूल। भारतीय टीम सुपर 8 में अपने सफर की शुरुआत 20 जून से करने वाली है। इस दिन टीम का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। यह मुकाबला वेस्टइंडीज के बारबाडोस में खेला जाएगा। इसके बाद भारतीय टीम का अगला मुकाबला 22 जून को खेला जाएगा। अभी तक के प्रदर्शन के आधार पर ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश की टीम आगे जाएगी और भारत का मैच 22 जून को उसी के साथ होगा। यह मैच एंटीगा के मैदान पर होगा। इन दोनों मैचों के बाद भारतीय टीम 24 जून को एक बार फिर से मैदान पर उतरेगी। इस दिन भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। यह मुकाबला सेंट लुसिया के मैदान पर खेला जाएगा। भारत के सुपर 8 के सभी मुकाबले भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से ही शुरू होंगे। ICC ने खासतौर पर भारत की मैचों की टाइमिंग का बेहद ही खास ख्याल रखा है। भारत का सुपर 8 का शेड्यूल तो आपने देख लिया, लेकिन आपको बता दें कि सुपर 8 में जाने से पहले ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पसीने छूटने लगे हैं। चलिए आपको रोहित शर्मा की इस टेंशन की वजह भी बता देते हैं। क्यों परेशान है रोहित शर्मा। सुपर 8 में पहुंचने से पहले ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पसीने छूटने लगे हैं और इसकी वजह है ऑस्ट्रेलिया की टीम। जी हां, 24 जून को भारत को सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलना है। ये वही ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो पिछले एक साल में भारत को दो दो ICC इवेंट्स में फाइनल में धूल चटा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले भारत को इंग्लैंड में खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हराया था और फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल भारत में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भी टीम इंडिया को मात दी थी। ये रोहित शर्मा एंड कंपनी के लिए कभी ना भुला देने वाला जख्म है। ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया की टीम से पार पाना भारतीय टीम के लिए सबसे ज़्यादा कठिन होने वाला है और यह चीज अब रोहित शर्मा को परेशान कर रही है। इसी वजह से रोहित शर्मा की टेंशन बढ़ गई है। इसके अलावा टीम इंडिया को अफगानिस्तान को भी हल्के में लेने की गलती नहीं करनी होगी, क्योंकि इस T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड जैसी टीमों को हराकर दिखा दिया है। अफगानिस्तान के पठान इस T20 वर्ल्ड कप में बड़ी बड़ी टीमों का काम तमाम कर रहे हैं। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप की सुपर 8 स्टेज में कुछ ऐसा रहने वाला है टीम इंडिया का शेड्यूल। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस बार अपने सबसे बड़े दुश्मन ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा पाएगी, क्या इस T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को मात दे पाएगी। कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।